मिंत्री न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा बेवर में शहीद मेले में अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए हमारे संवाददाता अरविंद दीक्षित की रिपोर्ट। कस्बा बेवर में शहीद मेला में समाज सेवा नवयुग संस्थान के सौजन्य से अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रथम स्थान पाने वाले शुभम प्रताप सिंह, राहुल श्रीवास्तव, मुकुल श्रीवास्तव, दूसरे स्थान पर शिवानी मिली पूनम व तीसरे स्थान पर मानसी दुबे, वंशिका सिंह अनान्य व चौथे स्थान पर कुमारी कीर्ति, आस्था शर्मा, सुमन कुमारी रहीं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश कर्दम आरटीओ, मेनपी वशिष्ठ अतिथि शिव प्रताप सिंह प्रबंधक एचडीएफसी बैंक बेबर, राजकुमार संगठन सचिव उत्तर प्रदेश के अलावा जज के रूप में राजेश कुमार पाठक, संगीत अध्यापक पूरन यादव, अध्यापक जवाहर नवोदय विद्यालय भोगांव मेनपी का संगठन के अध्यक्ष अजय सिंह भास्कर ने सभी का स्वर्ण व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम संयोजक सतपाल शर्मा द्वारा किया गया। सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मेनपी। क्या है आज़ादी से पूर्व जो है हमारे देश में बोलने की जी, कहने की और स्वतंत्र विचार की कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी जी। जो आज़ादी के बाद में बहुत बड़ा ये परिवर्तन आता है कि हम जो है बोलने की जो स्वतंत्रता है जी वह मिल जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वही अपने आप विचार रखने की स्वतंत्रता। हम क्या है, हम अपने विचार रख सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में विचार रख सकते हैं, ये हमें आज़ादी के बाद ही मिली है। आज के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए, किस तरीके से सर हमारा आज के कार्यक्रम के बारे में आप। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और ये मैनपुरी के लिए गौरव की बात है कि यहाँ पर शहीद मेला लगता है। मैंने शहीद मेला कहीं नहीं देखा। लगभग मैं भी इस 28 साल के सर्विस में काफ़ी जनपदों में रहा हूँ, बहुत सी जगह शहीद भी हुए हैं, परंतु शहीद मेला नहीं लगता था। ये मैनपुरी के लिए गर्व की बात है, खासकर मेरे लिए भी ये गर्व की बात है कि आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया और इस शहीद के स्थल के मामले से शहीद मेला जो लगा रहे हैं यहाँ पर, इनके विषय में जो आप बता रहे हैं, जो हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वह वास्तविकता में यह भूलती जा रही है कि हम जो आज़ाद हैं वो किनकी वजह से हैं। कम से कम उनको जाने तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी शुरुआत है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेहतर है आज की युवा पीढ़ी। तरह का कार्यक्रम हो रहा है निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं यहाँ आने के बाद अपने शहीदों को याद करके गौरवान्वित हूँ और मुझे इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है। साथ में मैं जो अपने पीछे देख रहा हूँ, जो आज अंताक्षरी की ये प्रतियोगिता हो रही है और ये लगातार कई दिनों से प्रतियोगिता जो आयोजित हो रही है, इससे हमारे प्रतिभागियों का जो बच्चे बैठे हैं इनको भी बहुत ही उत्साहवर्धन मिलता है और ये आगे बढ़ने के लिए उन्मुख होते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, इससे निश्चित रूप से इनको बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम हर समय हर साल जिस तरह से आप इतने सालों से हो रहा है इसको और बड़े स्तर पर करने की ज़रूरत है और हम तो कहेंगे कि पूरे देश में इस तरह का आयोजन होना चाहिए जो शहीद मेला का आयोजन हमारे बेवर में मैनपुरी में हो रहा है। इसकी बड़ी ज़रूरत है, हमारे युवा वर्ग जो अभी बहुत कुछ अपने देश के बारे में नहीं जानते हैं, उन क्रांतिकारियों उन शहीदों के बारे में नहीं जानते हैं। मैंने अभी देखा कि जो प्रदर्शनी लगी है उसमें इतना बढ़िया कलेक्शन है हमारे शहीदों के बारे में, जीवनियां देखने को मिली जो हम कहीं देखने को मिलती नहीं है जनरली, तो ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है। मैं हमारे बेवरवासी हमारे आयोजक लोग जितने भी हैं यहाँ पे हम सबों को मैं नमस्कार करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम आप कराते हैं जो एक सबसे विशेष कार्यक्रम है और इससे अन्य नगर भारतवर्ष के शहरों को जो है सो एक प्रेरणा मिलेगी।